बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हम आप देख ही रहे होंगे कि बड़ी खूबसूरत सी जगह पर मौजूद हैं, लाहौर में मौजूद हैं, और हम मौजूद हैं शौक की भी और वैसे भी वेल नोन पर्सनैलिटी उस शेख हसैन अदर साहब की फार्म हाउस पे, और एक गेट टुगेदर जिसमें हमारे बाहर से आए हुए मेहमान आप देख ही रहे हैं पिछले कई दिनों से। हमारे साथ हैं उस्ताद अहमद कंबर साहब और उनके शागिर्द उस्ताद रुमान साहब। हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान आए हुए हैं कराची से, खुसूसी तौर पे उस्ताद अहमद कंबर साहब से मिलने के लिए उनकी मोहब्बत में, उस्ताद सरदार कयूम खान साहब, और हमारे एक और राशिद साहब, राशिद खान साहब भी लाहौर से माशाल्लाह ब्रीडिंग का बड़ा अच्छा शौक़ रखते हैं। तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हमारे आज के जो मेज़बान हैं उन्हीं से करते हैं, शेख हसैन अदर साहब से। उनके इस फार्म हाउस पर इकट्ठे हुए हैं, उनका उन्होंने सब दोस्तों को यहाँ पे इकट्ठा किया था क्योंकि आज हमारे जो मेहमान हैं वो वापसी के सफ़र की तैयारी कर रहे हैं, और इसलिए गेट टुगेदर शेख साहब ने अरेंज की थी के एजाज में। और अपनी बाकी गुफ्तगू का आगाज़ शेख साहब की तरफ ही चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? सर खैरियत से? बिल्कुल खैरियत। पहले तो माशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया, और उस्ताद अहमद कंवर तो खैर आपका और उस्ताद अहमद कंवर का साथ वो कोई आज का तो है नहीं, कोई 30 साल का सफर है मेरे ख्याल में, शायद इससे भी ज़्यादा कह रहे। तो पाकिस्तान हो और अहमद कंवर हो और शेख साहब हो, बात इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती, आगे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, पहली बात तो मेहमान नवाजी के वो तो आपने हमें मौका कम दिया है। वो यहाँ आते हैं हमेशा, प्यार मोहब्बत है, जब हम दुबई जाए वो हमेशा वो मेहरबानी करते हैं बहुत ज़्यादा। हम तो खैर कम वो टाइम दे सकते हैं, लेकिन अहमद कमर भाई तो बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। और पाकिस्तान से जो भी कोई शौकीन दोस्त जाए, यही एक इस शौक़ का यही एक प्यार हुसन होता है। अभी मैं इंग्लैंड गया हुआ था, वहाँ भी इसी तरह दोस्तों ने डेली जो है खाना और दोस्ती, वहाँ तैमूर भाई थे और बाकी उनके साथ जितने भी यार दोस्त थे, और नवीद साहब थे और बाकी उनके साथ जुबैर साहब थे, और सारे बहुत ज़्यादा जी जी वो सारे गेट टुगेदर, सारे यार दोस्त थे, बड़ा प्यार मोहब्बत। शौक़ के हवाले से सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो यही होती है कि जहाँ भी कोई दोस्त चला जाए, अगर उसका जानने वाला भी नहीं है, आप ये देखें कि इवन आप किसी भी जगह किसी शौकीन के घर चले जाएं तो एक रिश्ता जो है वो बड़ा खूबसूरत होता है। वही रिश्ता, और ना इन्होंने हमारे कबूतर रखे हुए हैं ना हमने इनके कोई कबूतर रखे हुए, बट एक जो शौकीनी के हवाले से जो रिश्ता है वो हमेशा प्यार मोहब्बत का है हमारा। तो यही तो हमारा एक मुनफरद है इसका, यानी शौक का एक मुनफरद रंग है वो यही है कि आप नहीं भी जानते तो ये शौक आपको जोड़ देते हैं। और आप लोगों का तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि दरीना तालुक है, 30 साल का तालुक है। उसका रुमान कैसा लगा पाकिस्तान आते? सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, अच्छा लगा पाकिस्तान माशाल्लाह, सब दोस्त के साथ मिला है माशाल्लाह, उस्ताद से भी मिला, उस्ताद सरदार कयूम से मिला, बहुत दोस्तों के लिए मिला, तुमको तुम भी माशाल्लाह 24 आवर हमारा साथ है। हाँ माशाल्लाह, उस्ताद भी हर टाइम लगाता है लाहौर में, उस्ताद भी बहुत खिदमत देता है सब के लिए, दोस्त के लिए बोलता है, जो मिला सब के लिए, कुछ गलती बात बोला, कुछ अच्छा बात नहीं बोला, सब के लिए माफ़ कर, बस सब लोग बहुत प्यार दिया। ये हमारे भाई भी हैं सरदार कयूम साहब, और हमारा एक रिलेशन भी बहुत अच्छा है, और शौकीन बहुत अच्छे हैं क्योंकि इनका नाम पूरे पाकिस्तान में शौकीनी के हवाले से बड़ा अच्छा है, और हमेशा इन्होंने जो शौक है वो बड़ा खूबसूरत किया है। बाकी सरदार साहब जो है वो बता रहे हैं, और आज अहमद कमर साहब से मेरी मुलाकात के लिए भी मतलब इकट्ठे हुए हैं यार, और कम टाइम उनको, वो हमेशा उनकी सबसे खूबसूरत ये चीज़ है कि मसरूफ़ जितने भी हों, गमी खुशी और हर मौके के ऊपर शौकीनी के हवाले से ये लाजमी पहुँच रहे हैं। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया शेख साहब का। शेख साहब का जब भी आते हैं बहुत खुशी होती है हमेशा मेरे को, क्योंकि इतनी मोहब्बत देते हैं, आदमी वहीं जाता है जहाँ पे उसको मोहब्बत और
वो मिले। तो शेख साहब हमेशा बहुत मोहब्बत देते हैं, हमारा मोहब्बत एहतराम का भाई बंदी का रिश्ता शेख साहब के साथ। और हमारे भाई जो है इसी तरह दुबई से आए, दुबई में भी ऐसा ही, इनका भी हमारे साथ ऐसी वो है। जब दुबई जाते हैं ये सवाल ही पता नहीं होता कि भाई उस्ताद अहमद को, तो पहले दिन ही मुलाकात होती है और जितना टाइम, फैमिली को टाइम कम देते हैं, उस्ताद को टाइम ज़्यादा देते हैं। उस्ताद हमें बहुत टाइम देता है हर जगह, चाहे ड्यूटी पे हो कैसे भी हो, बहुत ज़्यादा टाइम देता है। उस्ताद रुबान हो गया, उस्ताद अहमद कमर हो गया, इस दफ़ा इत्तेफाक से शाहजी भी उधर ही थे, राब भाई भी थे, उमर भी उधर ही था, तो काफ़ी अच्छा टाइम वहाँ पर भी गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और उस्ताद जब पाकिस्तान आता है तो पहले हमें जो है ना, हमारे लिए बड़ा भाई से इज्जत और भाई से वो है कि कराची आते हैं, हमारे साथ टाइम गुजारते हैं। देखिए सबसे जो बाकी सब चीज़ें जो है ना, वो मेरे हिसाब से वो बाद में सबसे होता है कि आप अपना टाइम कितना देते हैं दोस्त को। तो यही सारी चीज़ें जो है ना, यही वो है। राशिद खान साहब से भी मुलाकात दूसरी दफ़ा हो रही है, बहुत अच्छे इंसान, बहुत नफीस इंसान है। तो यही हमारा मुश्तरका शौक है जिसकी वजह से हम इकट्ठे होते हैं। यही चीज बड़ी कि मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा सरदार साहब आपकी बात पे, ये मोहब्बत और चाहत का रिश्ता है और कुछ भी नहीं। बाकी तो सभी, अब आपने कराची के शौक को यूनाइट करने के लिए पिछले खासतौर पे 3-4 सालों में जो कुछ किया है और जिस जगह पे आज ये शौक आके खड़ा हो गया है, तवक्को नहीं थी, कोई नज़र नहीं आ रहा था, यानी जितनी इनकलाबी तब्दीलियाँ और जिसके लिए जो आपने स्ट्रगल की उसके अंदर जो है ना, बहुत ज़्यादा लोगों की कब, मैं सिर्फ मैं फ़र्द वाहिद नहीं, और दोस्तों की बहुत, उस्ताद आसिफ जमाल की, उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ की, डॉक्टर अमजद साहब और बाकी जितने शौकीन, आरिफ अहमद खान, उस्ताद वजीर, इन सब दोस्तों की जो है ना उसमें कोशिशें का विषय है। तो हमारा वो है कि भाई एक शहर के अंदर एक शौक होना चाहिए, उसका एक चैम्पियन होना चाहिए और एक दूसरे का जो है ना शौकीन एक दूसरे का एहतराम करें, जहाँ एहतराम और इज़्ज़त का रिश्ता हो। मुखालफत जो है वो कबूतरबाजी की होनी चाहिए, बाकी सब कमी खुशी के अंदर प्यार मोहब्बत के साथ जो शौक हो और सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, यही इस शौक का हुसन है, अच्छे तरीके से करें। नहीं सर, ये आपने जो दो बातें की बहुत खूबसूरत की कि असल चीज़ एहतराम है। अगर आप एक दूसरे का एहतराम कर रहे हैं, शौक तो है, हार जीत है, गेम है, पार्ट ऑफ द गेम है और एक टीम वर्क होता है। आपने एक ऐसी टीम सब लोगों ने मिलकर बना ली है जो अपनी मिसाल आप है। और अब हम सरदार साहब की से आगे चलेंगे, हमारे प्यारे मेहमान, हमारी जान जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सब दोस्तों भाई। उस्ताद कैसा लगा पाकिस्तान आके? पाकिस्तान हमारे लिए तो बोलो क्या बोलूँ, तो मालूम है कि मैं हर साल 2 मरतबा पाकिस्तान आता हूँ, साल में 2 मरतबा या 3 मरतबा मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। अभी तो नहीं, तो शायद मैंने 93 से मैं पाकिस्तान आता हूँ, 90 से नहीं, इससे पहले 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 90 से पहले से नहीं, पहले हमें आ रहा था क्योंकि मैं कराची आ रहा था, मेरा कराची भी आ रहा था, कारोबार था मेरा मच्छी का, मैंने कराची से मच्छी लेके जाता था यूं ही मैं, और मेरा शौक था मुर्गों का भी शौक था, मैंने सिंध से मुर्गा भी लेके जाता था। बाद लाहौर आया, लाहौर अपना भाइयों से मुलाकात हो गया अल्लाह का फजल से, अभी वही दिन से मैं पाकिस्तान आता हूँ। ये लोग अल्लाह का फजल से कि हमारे लिए कभी कुछ, जैसे मैं अपना यूई में हूँ, जैसे मैं अपना यूई में बैठा हूँ, अपना घर में बैठा हूँ, इधर यही है सरदार कयूम, पहले को करा ये मियाँ शेख हसन, मैं तो जबला हो रहा हूँ शेख हसन के घर में तैरता हूँ, और शाह तुराब हैदर, ये तो समझो एक साथ है, जान हम लोग का जान है। और ये उमर, ये एक आदमी है उमर नाम, ये भी तो बात नहीं बोलेगा, ये तो ख़ास आदमी हम लोग का है अल्लाह का फजल से। और माशाल्लाह जेलम में भी उधर सराजा काका और इन लोग का शागिर्द है, हर जगह सजाद हमायो हमारा शागिर्द लोग पूरा हमारे लिए हेल्प किया, साथ दिया हमारा, हमायो बोलो सजाद शागिर्द, सजाद का शागिर्द लोग, यानी अल्लाह का फजल से या अल्लाह का पकड़ लेता है मंडी में, माशाल्लाह जब तक तुरा बेहतर है तो हम और क्या मैसा है पूरा हमको नहीं, माशाल्लाह उस्ताद मेरा ग्रुप भी तो बहुत बड़ा बन गया, बहुत अल्लाह का फजल से, अल्लाह का फजल से, अल्लाह ने बड़ा असर दिया अल्लाह ने। और माशाल्लाह बशारत भी,
بشارت نے کتنا کتنا اور کاکا کا شاگرد ظفر نے ماشاءاللہ اچھا بہت یعنی یعنی ڈاکٹر ماشاءاللہ چودھری ماشاءاللہ کبھی بھی نہیں چھوڑا کتنے نام لے لیں ہاں سب نام ہے نام ہی نام ہے ماشاءاللہ ادھر ماشاءاللہ کیا نہیں ماشاءاللہ ساتھ اب جو ناراض ہو گئے جن کی طرف ہم نہیں گئے جو کوئی نہ والا بہت آدمی بھی ناراض ہو گئے وہ بولتے ہیں آؤ میرے پاس دوستوں سے نہیں ملاؤں ٹیم نہیں ہے تو یہ بات ہے اللہ کا فضل سے یعنی دوستوں کا فضل سے یعنی استاد شوق دیکھا مزہ آیا مزہ آیا سب کا پاس کبوتر اچھا ہے الحمد للہ کبوتر میں پہلے بھی بات کیا ہوں جو آدمی کبوتر بنائے اپنا شہر کے لیے بنائے بنائے اپنے شہر کے لیے کیوں کل نہیں بولے کہ میں نے میں نے اپنے شہر اپنا شہر کے لیے بناؤں اور اپنا اڑاؤ شوق پورا کرو باقی پر بازی ہے ہر جیت ہے اس میں اندر کوشش کروں گا اگلے سال میں اچھا اڑاؤں کہ میں میرا کبوتر اچھا بنے یہ بات ہے اور میرے طرف سے سب کا سلام بڑی بڑے عرصے والے پندرہ سال بعد یہ شیخ صاحب کے فارم ہاؤس پہ گیٹ ٹوگیدر ہوئی ہے تو یہاں پر یہ تراب حیدر صاحب کے توسل سے سارا کچھ سلسلہ ہوا ہے تو اس میں ماشاء اللہ قیوم صاحب سے ہی ملاقات ہو گئی کراچی صاحب ہیں ہمارے مہمان روبان بھائی ہیں احمد قمبر صاحب ہیں سب سے جو ہے جناب ملاقات کرائی ہوئی ہے تو اس میں بڑی خوشی ہوئی ہے اور یہ مہمان نوازی میرے خیال سے ہمیں ایک دوسرے کی کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے شوق میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق اچھا اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے نا تو میں کہتا ہوں اس شوق میں اور زیادہ شوق پروان چڑھے گا تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر بڑی اعلیٰ گیٹ ٹوگیدر ہوئی ہے تو ان سب سے مل کے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے بہت شکریہ ان کا کہ یہ آئے اور یہاں پر مہمان نوازی کا موقع ملا ہے تھینک یو ویری مچ راجد صاحب آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی راجد صاحب نے ماشاء اللہ بڑے اچھے کبوتر رکھے ہوئے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں بریڈنگ کے شعبے میں خاص طور پر اور یہ آج کی چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر تھی میں نے کہا تھا تھوڑا سا یہ لائیو ہو جائے کیونکہ جاتے جاتے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا ہو جائے کہ وہ آئے ہمارے ملک میں آئے ہمیں خدمت کا عزت کا موقع دیا اور یہ شوق صرف چاہت کا پیار کا محبت بانٹنے کا ہے اور امید ہے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ اس طرح ہی چلے گا اور آگے بڑھے گا تھینک یو ویری مچ